हुआ है। देखिए यही है पार्सल, क्या है इसमें भाई? अब तो आप ना बताइएगा क्या है, क्या है, खोलिए, खोल के दीजिएगा ना, कैसे दीजिएगा क्योंकि बहुत चीज खराब निकलता है। हाँ देखिए खोल रहे हैं, देखना भरा मेरे से घूम करके जाए। हाँ ये आपको के लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आप ही सबके लिए है। देखिए 699 का गीतांजलि ये है, 699 का ये है, और ये पेन जो है 1200 रुपये का पेन है। पंकज मगद अभी देखिए ये इसको देने भी आए हैं, और अभी सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब कुछ चाहिए, एजुकेशन का है। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। और इन्फॉर्मेशन सब कुछ चाहिए, और ये आप सभी के लिए लाए हैं क्योंकि गैजेट ही है, हम जहाँ तक होता है ज़्यादातर गैजेट ही यूज करते हैं, कभी मोबाइल, कभी टैब, कभी पेन, कभी मतलब अभी लेना है मुझे लगभग और कुछ ही। चैनल जैसे सब बड़ा होगा ऐसे गैजेट आएगा, अभी जैसे 1200 का ये आपको पेन लाए हैं, और चैनल और बड़ा होगा तो आओ मतलब हाई क्वालिटी के लिए DSLR कैमरा वैमरा सब चीज़ लाएंगे। ठीक है चलिए दिखाते हैं, इसको खोल के दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहिए सब देखिएगा। आप सभी का पंकज मगध में स्वागत है। देखा सुबह ही देखेंगे मेरे पास गैजेट आया, और जो भी छात्र मेरे वीडियो को देखते होंगे, मुझे दुखद वीडियो थोड़ा सा लगता है, मतलब इसलिए लगता है कि मैं इतना समय जो देता हूँ आप सभी को हर एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और कहीं ना कहीं आप कमेंट देखते हैं ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और मुझे पता है कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं, उनका एक ही चीज़ करना है कि इसका वीडियो बनना बंद हो जाए। अभी जस्ट ये आप मैंने देखा ही होगा, मैंने टैब लिया है, और टैब का खासियत मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। इस टैब और पेन के थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ, मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं, पूरे जो यूट्यूब की फैमिली जितने भी यूट्यूबर हैं, मेरा इस साइड में दिख रहा है PMO ऐसे पंकज मगध, तो ब्लॉग चैनल है, बस इसको मैं एजुकेशन चैनल बनाना चाहता हूँ, सभी चीज़ों को अपडेट डालना चाहता हूँ इस चैनल पर। तो एक पेन और टैब से जो कुछ करने वाला हूँ, ठीक आप देखिएगा, और इसका खासियत क्या इस पेन का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप सब जो लोग मुझे देखते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप फील भी कीजिएगा आपसे, क्योंकि जो मैं चैनल पे दूंगा जो उस चीज़ को आप फील कीजिएगा कि नहीं पंकज भाई जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोई नहीं देने वाला है, और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मिलेगा। देखिए जैसे कि पेन से कोई भी यूट्यूबर को या कोई भी किसी को पेन से या बना के कुछ दिखाते होंगे तो वो फैकल्टी नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पाता होगा, और जो हम देने वाले हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आपको बैक कैमरा नहीं ये तो फ्रंट कैमरा है, आपको देखिए जैसे कि मेरे पास जो फॉर्म है आप देख रहे होंगे, अब इस फॉर्म को मैं अपने पेन के थ्रू, इस पेन का खासियत क्या है जैसे कि ऐसे कहेंगे उस पर काम करेगा ठीक, बट इस पेन का खासियत देखिए क्या है, जैसे कि इस पेन का खासियत देखिए ये है, इस फॉर्म को किसी भी फॉर्म को मैं आपको आराम से भरना सिखा सकता हूँ, या कुछ भी चीज़ों को मैं पढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं लाइब्रेरी साइंस कर रहा हूँ और मेरे पास क्वेश्चन भी कुछ आए तो उस क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर चीज़ को, नोटिफिकेशन जैसे मान लीजिए BEd का आया है तो कलेक्शन करके BEd का इन्फॉर्मेशन PMO चैनल पर मैं डाल सकता हूँ ठीक, या मगध विश्वविद्यालय से कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं PMO चैनल पंकज मगध ऑफिशियल चैनल पर डाल सकता हूँ ठीक। तो इस पेन का खासियत इसलिए मैंने लिया है, और कहीं ना कहीं आप सब जितने भी मेरे यूट्यूब से पेमेंट आता है जो भी आता है मेरे पास, अपने ऊपर मैं कभी लाइफ में खर्च नहीं करता हूँ, सब मुझे बोलते हैं कि कैसा चश्मा लगा रखे हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बदलो पंकज, क्यों यूट्यूब पर खर्च करते हो, मेरे आसपास मेरे दोस्त मेरे कलीग, क्योंकि आप मैं देख रहा होगा कि जो मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, हाई क्वालिटी का कैमरा भी आ चुका है, मतलब मोबाइल इज कैमरा दो, क्योंकि मेरे मोबाइल मैंने इसे मानता जो भी मैं लिया हूँ लगभग 50-60 के लगभग EMI पे है, तो जो भी लिया हूँ तो EMI चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करता, इसका EMI था, इसका EMI पूरा फिल हो चुका है, लगभग 5,500 रुपये का ये पड़ा है ठीक। और अभी यूट्यूब के पैसे से या कुछ मेरे ऐसे जो आते हैं कोई मतलब दे के जाते हैं भैया आपका बहुत बहुत सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो सब जितने भी मेरे पास पैसा है जो भी था मैं सब पैसा को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपये मैंने लगा चुका है, आपको बोलिएगा तो आपको मोटा मोटी मैं गिनवा दूंगा, क्योंकि जिस ट्राइपॉड के आप थ्रू वीडियो रिकॉर्ड देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें लगा है 2500 रुपया ठीक, और 2 माइक ख़राब हो चुके हैं, उसके बाद 22,000 का टैब डे हैं, 1000 रुपये का ये
ये आपको जो सामने आपका जिससे आपको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये, उसके बाद यहाँ का महीने का लगभग वाईफाई का जा रहा है शायद 600 रुपया, 610-620 रुपया मंथली। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे पीछे जो चीज़ें हैं ये नहीं देख रहे हैं कि कितना मेहनत और टाइम आज से पहले का समय कि क्या ये था और कैसे इन्फॉर्मेशन सभी छात्रों को प्रोवाइड कर रहा है, क्या सबको ये लग रहा है कि पैसे कमा रहा है। हाँ, आपको यहाँ ये 29 रुपये वाला स्क्रीन शॉट में यहाँ पे साइड में स्क्रीन में दिख रहा है कि ये 29 रुपये लेके बात करता है, तो हाँ मैं 29 रुपये लेके बात करता हूँ, क्योंकि दिन भर में कम से कम 100 कॉल आते हैं, मैं 100 कॉल को रिसीव नहीं कर सकता। आप इस विद्यालय अपने काम से आते हैं, मेरे काम से नहीं आते हैं, ठीक। अब आप सोचिएगा पंकज मगर हाथ पकड़ के चल रहे बता देने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं उतना अपना क्लास करता हूँ, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं धूप में मरता तो नहीं रहूँ। जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सब चीज़ को मैंने बारीकी से बता दिया है, 1200 वीडियो मैंने बता दिए हैं, क्यों मुझे कॉल करके परेशान करते हो। हाँ, कॉल कीजिएगा, मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, सब चीज़ राइट बताऊँगा, उसका जो चार्जेबल है वन टाइम पेमेंट 29 रुपये वो तो लूँगा ही लूँगा। कुछ भी कर लीजिए आप, किन्हीं के पास कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो मेरा आज़ादी है, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, आपसे जेब से पैसा नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, आपको प्रोवाइड करना हो आप प्रोवाइड कीजिए, पैसा दीजिए, आपसे बात हम करेंगे, जो भी चीज़ पूछना है पूछिएगा, हम बताएंगे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो जो चीज़ नहीं मुझे जानकारी आपको मैं जानकारी देना है, सब चीज़ मेरे यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोले कि अंदाज़ा लगाते हैं कि मान लीजिए 29 रुपये रखा हुआ है, इससे 10 लोग रोज़ बात करें तो इसका 300 रुपये डेली बन रहा है, महीने का 9000 रुपया। या आप पीछे का नहीं देखे जो मैंने 2-1.5 साल मेहनत करके किस चीज़ पे किया है, आप वो चीज़ नहीं देख रहे क्यों? और हम इतने गरीब घर से हैं तो सब लोग सताते भी, क्यों मुझे सताते हो भाई? आज तक तो मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का नहीं, सच में मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ। आपको ऐसा लगता है तो बंद कर देते हैं यार, ठीक। बाकी जो भाईचारा है, प्रेम है, हाँ आपको तकलीफ लगता है कि मैं वीडियो से जान तकलीफ आपको लगता है तो हम बंद कर देते हैं। आप सब बोल दीजिए कि पंकज जी आप बंद कर दीजिए, हमें परेशानी होता है, छात्र भी कह देंगे कि भैया बंद कर दीजिए चैनल, तो मैं इस वीडियो के बाद से अपना चैनल बंद कर दूंगा और क्या करूंगा। हाँ, पीएमओ चैनल चालू रहेगा, जैसे कोई छात्र मेरे से मिलने आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, या जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं वही इन्फॉर्मेशन डालूंगा, मतलब जो चीज़ आप चाहिएगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बाकी हाँ एक चीज़ मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मेरे से तो YouTube नहीं छूटेगा, और दूसरी बात है कि मेरी पढ़ाई, मैं कुछ लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य लेके आया था, वो लक्ष्य पूरा करके मैं विश्वविद्यालय से नहीं निकलूँगा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना, कहीं मैं सक्सेस ना हो जाऊँ किसी चीज़ में, जब तक तो मैं नहीं निकलूँगा। आज पेट का एग्ज़ाम आया है, आज मेरे मन में दुविधा भी है कि मैं क्या करूँ, 2 ऑप्शन मेरे पास लाइफ में आके अटका हुआ, अभी मैं 3 दिन से वही टेंशन में हूँ। सबको लगता होगा पंकज बात क्यों नहीं कर रहा है, किस क्या मकसद है, क्यों नहीं ऐसा क्यों रूढ़ व्यवहार कर रहा है। बाकी यार मैं अपने लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में भी हूँ, समझे? आपको चेहरे का पीछे हंसी दिख रहा होगा मोबाइल कैमरे के पास, बाकी कुछ लोग मुझे परेशान भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर, ऐसा ये वो बोल के समझे। बट कहीं ना कहीं हम किसी छात्र को क्या कहें, बस मुझे आज ये लगा कि नहीं बना लेता हूँ ये वीडियो बना के, आपको आप सबका सपोर्ट चाहिए, जहाँ आप सब बोलिएगा कि इस चैनल को बंद कर दीजिए तो हम बंद कर देंगे, और आपके हाथ में है आप सब जितने, क्योंकि आपके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी छात्र आपको जैसा लगे हम चैनल को बंद कर देंगे। ये आप अपने राय जो इस वीडियो पर दीजिएगा, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो आया है, क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल है तो मुझे लगता है कि बंद तो
होगा नहीं मेरे से, सॉरी। बट अभी जो अपडेट आया है, आप पीजी को ले, सॉरी 23 सेशन को लेकर, कि जो भी स्टूडेंट अभी अप्लाई किए हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो उनका फी का थोड़ा सा मामला है, कल पता करके इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। आप देखे रहिए, ऐसा किसी को लगता हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना था ना है ना आगे रहेगा। हाँ जो है यार, एक रूम से कर रहा हूँ भाई, किसी को हम खुलासा नहीं कर रहे कि ऐसा है वह वैसा है, या आप उसके पास जाइए या उसके पास जाइए, ऐसा तो मेरा मनसा नहीं है। क्योंकि मुझे स्टूडेंट को देना है जो चीज़ देना है, स्टूडेंट मेरे से 29 रुपये लेके बात करना चाहते हैं कि पंकज मगर से मिलना चाहते हैं, यहाँ तो जब आते हैं मेरे पास तो रियल में रहता हूँ, आपको 100-100 रुपये 200-200 रुपये दे देते खुशी से कि पंकज भी आपसे मिलने मुझे बहुत अच्छा लगा, समझे। कोई आके वॉच गिफ्ट करता है, कोई आके ये चीज़ गिफ्ट करता है, कोई वो चीज़ गिफ्ट करता है, तब स्टूडेंट को थोड़ा सा या जलो मत। जलने का मतलब सेंस ये है कि जहाँ कोई आपके बीच में अच्छा कर रहा है तो उसे और कर, मतलब इंक्रेज कीजिए कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा कोई कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, या हम नहीं तो वो कर रहा है, उसको इंक्रेज कीजिए, दबाइए नहीं। हम मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हतोत्साहित होते हैं, समझे, हम उनको इंक्रेज करते हैं, नेगेटिविटी नहीं रखते हैं ना, नेगेटिविटी उसको देते हैं। आज ही क्या हम कहें, दरोगा भैया पास थे, बोले थे हम खुदकुशी कर लेंगे, पंकज मेरा ऐसा सेशन रहा चीज़, तो मुझे यहाँ सब कहता है फ्रॉड है कागज़ मेरा। बाकी आज तक जब वो उनका दरोगा होगा तो उनका देखिए वीडियो में लाऊँगा, दिखाऊँगा आपको, अभी नहीं, क्योंकि उनके पीछे कुछ समस्याएँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। बट पंकज ने शुरू से लेकर अंत तक उनको पॉजिटिव रखा कि नहीं भैया आप कुछ नहीं, आपका कोई गलती नहीं, आप सही हैं। चार से पाँच दिन के पीछे अंदर ऑफिस में मैं उनके साथ लगातार जा रहा हूँ, सब लोगों को लगता है कि ये डेली का 5,000-10,000 रुपये कमाता है। भाई जिस दिन पंकज 10,000 रुपये और डेली का कमा लेगा, महीने का 5,000 भी कमा लेगा ना, महीने का हो गया आपको 1.5 लाख रुपया, यहाँ रहने की मेरी हैसियत फिर नहीं होगी जहाँ मैं डेली का 5,000 कमाऊँगा। तो कोई मिलता है, किसी को सपोर्ट करते हैं, सहयोग कर देते हैं तो ही खुशी से देता है तो देता, नहीं तो अपना अलग चीज़ है। हाँ यूट्यूब से मेरा मंथली जो है, मंथली 2-3 महीने पे पेमेंट जो आता है वो आता है मुझे, और आएगा ही, जितना लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो वीडियो को मेंटेन करते हैं, आज मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया, मेरे दिल से में थोड़ा सा टेंशन था उस वजह से, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल पूरा एनर्जेटिक के साथ ब्लॉग रहेगा, पूरा फुल, समझे। आप जानिएगा पढ़ाई लिखाई हम नहीं छोड़ सकते हैं, पहला मेरे से दो चीज़ नहीं काम होने वाला है, आप कितनों टाइम घिसते रहिए, आप मुझे जेल भेज दीजिएगा, फांस मतलब कुछ भी कर दीजिए, आप मुझे मारिए पीटिए, बाकी हमें वीडियो नहीं छूटने वाला है, दूसरा मेरे पढ़ाई नहीं छूटने वाला, जो लक्ष्य लेके आया मैं, दो चीज़ तो मेरे से हटने वाला नहीं है। हाँ दो चीज़ के अलावा तीसरा चीज़ है तो आप बोलिएगा छोड़ने, तो मैं उसे छोड़ दूंगा, समझे। बाकी दो चीज़ मैं लाइफ में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे भी आगे मेरी ज़िंदगी में लाइफ मुझे देखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। तो आप सबका लास्ट राय है, आप सब बताइएगा बंद करने तो भाई, तो मैं हाथ जोड़ के ब्लॉग बनाना बंद कर दूंगा, मगध विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बोलना बंद कर दूंगा, या आप मेरे साथ जो साथ आते हैं मेरे से मिल के वीडियो बनाते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे भी कोई देखे, उनको लगता है कि मुझे भी कोई पहचान ले, तो आज भी कहे थे भैया संदीप भैया, बोले पंकज चलो ना वीडियो बनाते हैं साथ में एक यादगार, हमें कहे नहीं भैया आप जाइए, आपका काम हो गया ना, तो बोला हाँ भाई काम तो हो गया, तो हम कहे जाइए। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट से आते हैं, मुझे खुद मिलके मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं चलो किस काम के लिए आए, खैर उनको मैं सपोर्ट कर देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ, समझे, बस रास्ता बताता हूँ और कुछ नहीं मेरा है। यहाँ से कैंटीन में बैठता हूँ, वहाँ लोग 8-10 लोग घेर जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे 10 लोग जानते हैं। बाकी यहाँ बहुत लोगों को क्या है कि उनसे पैसे कमाओ, भाई क्यों ऐसा क्यों, उनका इच्छा रहेगा तो देंगे, उनका इच्छा रहेगा तो आपसे काम करवाएंगे, उनका इच्छा रहेगा तो, समझे।
बाकी वो कभी मत रखो लाइफ में यार, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता, जय भवानी, श्री शिवाय, नमस्ते भैया। और दो अपडेट जो आया है बीएड के लेकर और एक सत्ता लेकर, तो आज पेन और टैब का कमाल दिखाते हैं, पीएमओ चैनल पे वीडियो डाल देते हैं आपको दोनों अपडेट देके, ठीक। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय भाज्य, जय माता दी, जय भवानी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ये मंत्र मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है, इसको रात के सोते समय आप बोलिए, अंदर से गुड फील आएगा, मतलब नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।